हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो में। मैं हूं दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज मैं आपके लिए इंग्लिश ग्रामर से वीडियो लेकर के आया हूं और ये वीडियो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले ग्रामर के क्वेश्चंस का। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी और यदि आप अभी तक अपने आप को ग्रामर में वीक समझ रहे थे तो भूल जाइए, क्योंकि आपका जो ग्रामर पोर्शन है वो स्ट्रांग होने वाला है। तो आप वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। दोस्तों, ये जो वीडियो है इसमें मैं 10 क्वेश्चंस को रखा हूँ, यानी 10 क्वेश्चंस। तो 10 ही क्वेश्चंस इसलिए रखा हूँ क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं उसका जो आंसर है वो मैं एक्सप्लेन करके बताऊँगा कि वो आंसर क्यों है। तो कुछ ग्रामर्स के रूल्स को भी आपको बताना होगा तो समय लगेगा। तो मान के चलिए कि 10 क्वेश्चंस हैं तो हो सकता है 20 मिनट लग जाए, इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, मैंने 10 ही क्वेश्चंस रखे हैं इसमें। तो दोस्तों, ये है पार्ट फर्स्ट, यानी कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ग्रामर के ऊपर बनाया गया ये मेरा फर्स्ट पार्ट है जिसमें मैं 10 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आया हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो 10 क्वेश्चंस हैं आपके एकदम से तैयार हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको लगातार अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलने वाली हैं। तो दोस्तों, सिर्फ सब्सक्राइब ही मत करिएगा, उसके बगल में एक बेल आइकन दिखेगा उसको आप प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है हमारे इस पार्ट का कंपटीटिव इंग्लिश ग्रामर का, उसको हम देखते हैं यहाँ से। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। कहने का मतलब, यहाँ आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है वो डायरेक्ट स्पीच का है, आपको उसको इनडायरेक्ट में बदलना है। होता क्या है, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, करेक्ट ऑप्शन को चूज करना होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर वो ऑप्शंस तो नहीं मिलेंगे आपको, बल्कि मैं बताता हूँ कि जो आपका डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है उसका सही इनडायरेक्ट क्या होगा। तो यदि आप जान ही जाते हो इस चीज़ को तो निश्चित ऑप्शन में आप सिलेक्ट कर ही ले जाओगे। तो चलिए देखते हैं, जो हमारा यहाँ डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है वो क्या है। हरी सेड टू मी लेट अस सिंग टुगेदर। तो दोस्तों, इसका सही इनडायरेक्ट क्या है वो भी आप देख लीजिए, फिर मैं इसके नियम को एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो इसका इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट में आप हरी का हरी वैसे ही पा रहे हो, लेकिन सेड टू के स्थान पर आप प्रपोज्ड पा रहे हो। ये प्रपोज्ड क्यों आया, प्रपोज्ड मीन्स होता है प्रस्ताव किया। तो यहाँ जो हमारा सेंटेंस है, सबसे पहले इसमें देखेंगे तो हरी सेड टू मी, हरी ने मुझसे कहा, क्या कहा, लेटस का मतलब आओ, सिंग गाएं टुगेदर साथ साथ, आओ साथ साथ गाएं। तो जहाँ पर लेटस का प्रयोग आपका रिपोर्टेड स्पीच में मिलेगा, ध्यान देंगे, जहाँ लेटस का प्रयोग रिपोर्टेड स्पीच में मिलेगा उसका इनडायरेक्ट बनाते समय हम रिपोर्टिंग पार्ट में आए हुए सेड टू को प्रपोज्ड में बदल देंगे। इतना क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा प्रपोज्ड के बाद सेड टू के स्थान पर तो प्रपोज्ड हो गया, मी के स्थान पर हम मी वैसे रख लिए। यहाँ जो डबल इन्वर्टेड कामा है, उस डबल इन्वर्टेड कामा के स्थान पर हम कंजंक्शन वर्ड दैट का प्रयोग किए, ठीक है। अब उसके बाद को हम समझते हैं कि जो लेटस का प्रयोग होता है रिपोर्टेड पार्ट में, जो लेटस का प्रयोग होता है उसको हम देसुड या बीसुड में बदलते हैं, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, देसुड या बीसुड। तो यहाँ भी समझ लीजिए आप लिख करके, यानी देसुड या बीसुड करते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि हम देसुड या बीसुड दोनों में से क्या रखेंगे, वो डिपेंड करता है रिपोर्टिंग पार्ट के सब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि ये अस फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और फर्स्ट का पर्सन का प्रोनाउन है तो ये बदलता है रिपोर्टिंग पार्ट के सब्जेक्ट के अनुसार, ध्यान देंगे। तो अब ये जो इधर लेटस आया है वो हमेशा रिपोर्टिंग पार्ट के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो जब यहाँ देख रहे हो कि ये थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन है तो यहाँ हम दे का प्रयोग कर लेंगे, यानी बी शुड या दे शुड दोनों में से एक ही करना है। तो बी शुड का प्रयोग हम तब करेंगे जब हमारा यहाँ फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन यूज होगा, और जब यहाँ थर्ड पर्सन का प्रोनाउन यूज है तो निश्चित रूप से यहाँ हम दे शुड का प्रयोग करेंगे। तो आप समझ गए कि लेटस को हटा करके
रिपोर्टिंग पार्ट के सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ दे सुट या बी सुट कर लेना है, तो हमने यहाँ दे सुट कर लिया। उसके बाद इधर का जो पार्ट है उसमें परिवर्तन नहीं होगा, और कोई सेंटेंस आएगा तो मैं आपको वहाँ क्लियर करके दूंगा। अभी तो फिलहाल इसमें इतना ही था, तो आप यहाँ पर ले जा करके छोड़ दीजिए, आपका ये सेंटेंस क्लियर हो गया। दोस्तों इस नियम में आपको कहीं कोई डाउट होगा तो आप बिल्कुल कमेंट करके क्लियर कर सकते हो डाउट को अपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गिव वन वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंस। यहाँ एक सेंटेंस दिया गया है दोस्तों, इस सेंटेंस के लिए आपको एक वर्ड देना है, यानी ये क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। तो आपको यहाँ एक जो सेंटेंस दिया गया है इसके लिए एक वर्ड देना है, वही आपका आंसर होगा। पेपर आपके आएगा तो वहाँ 4 ऑप्शंस रहेंगे, उसमें से आप सबको सिलेक्ट करना रहेगा। तो आप ऑप्शंस पे डिपेंड मत करिए, आप वन लाइनर क्वेश्चन की तरह तैयार करिए कि जो आपका क्वेश्चन है उसका सही आंसर क्या है आप बता ले जाइए, तो यही आपकी बेहतर तैयारी होगी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ क्या लिखा है सेंटेंस में। अ पर्सन यानी एक आदमी विद लॉन्ग एक्सपीरियंस, जिसके पास लंबा अनुभव हो। तो लंबा अनुभव रखने वाले आदमी को एक शब्द में क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है दोस्तों वन वर्ड, आप देखिए वेटरन। वेटरन का मतलब होता है लंबा अनुभव रखने वाला व्यक्ति, यानी बहुत अनुभवी इसका मतलब हुआ। तो इस तरह से आपका तैयार हो गया, कहीं भी आए अ पर्सन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस तो उसका आंसर होगा वेटरन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली स्थान को भरना है विद द सुटेबल अल्टरनेटिव, यानी उचित विकल्प का चुनाव करके खाली जगह को भरना है। तो यहाँ जो विकल्प हैं वो आपके 2 दिए हुए हैं और वो अंडर ब्रैकेट हैं, तो इन दोनों में से एक शब्द का चयन करके आपको ये जो जगह दिया गया है इसको फिल करना है। तो सबसे पहले अर्थ को समझना जरूरी है, जो सेंटेंस दिया है उसके अर्थ को समझते हैं। द वर्ल्ड यानी संसार, इस मीन्स है एंड मीन्स एक, तो संसार एक है क्या है। अब इन दोनों का अर्थ देख लेते हैं, सबसे पहले इसका क्या अर्थ होता है। तो यहाँ पर जो आपका इल्यूजन दिया हुआ है, इस इल्यूजन का अर्थ होता है संकेत या इशारा। लिखेंगे तो समय लगेगा, आप ऐसे समझ लीजिए। इस इल्यूजन का जो ALUSION है इसका अर्थ होता है संकेत या इशारा। तो संसार संकेत या इशारा है नहीं, इस तरह से ये सेट नहीं हो रहा है। अब दूसरे का अर्थ आपको पता हो या ना पता हो, निश्चित रूप से वो सही हो सकता है, लेकिन आपको चाहिए कि आप दोनों के अर्थ को अच्छे तरीके से जानें। चलिए इसको देखते हैं, जो ALUSION से शुरू हो रहा है इसका क्या अर्थ होता है। तो इसका अर्थ होता है मोह भ्रम मिथ्या, यानी मोह माया भ्रम मिथ्या। तो इस तरह से ये अर्थ क्लियर हो रहा है। यहाँ यदि हम जोड़ दें द वर्ल्ड इज एन इल्यूजन, तो आपका अर्थ हो जाएगा कि ये संसार एक भ्रम है, मिथ्या है या मोह माया है। तो इस तरह से इल्यूजन सेट हो गया, तो आपका आंसर हो गया इल्यूजन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, सप्लाई इन द ब्लैंक स्पेस, खाली जगह में आपको सप्लाई करना है द अपोजिट यानी अपोजिट रखना है आप द वर्ड इन बोल्ड, जो बोल्ड लेटर में लिखा है उसका अपोजिट आपको रखना है ब्लैंक स्पेस में। यहाँ जो आपका सेंटेंस दिया हुआ है, इस सेंटेंस में एक ब्लैंक स्पेस है, इस स्पेस में यहाँ जो आपका बोल्ड लेटर है उस बोल्ड लेटर का अपोजिट रखना है। तो चलिए देखते हैं, वी शुड बी ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक मीन्स होता है दोस्तों आशावादी, तो आशावादी का उल्टा हुआ निराशावादी, यही आपको यहाँ रखना है। तो ऑप्टिमिस्टिक का उल्टा होता है यानी अपोजिट होता है पेसिमिस्टिक, तो निश्चित रूप से यहाँ आप क्या रखेंगे पेसिमिस्टिक। अब अर्थ को समझ लेते हैं इसके, बी शुड बी ऑप्टिमिस्टिक, हमें आशावादी होना चाहिए नॉट पेसिमिस्टिक, ना कि निराशावादी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, करेक्ट द सेंटेंस यानी सेंटेंस को करेक्ट करना है। आपको इनकरेक्ट सेंटेंस दिया गया है तो उसको करेक्ट करना है, ऐसे एग्जाम में आएगा। 4 ऑप्शंस रहेंगे, आपको बताया जाएगा कि इस इनकरेक्ट सेंटेंस का कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट सेंटेंस बताता है। तो निश्चित रूप से आप समझिए कि सेंटेंस कैसे इनकरेक्ट है और उसका करेक्ट क्या होगा। तो चलिए देखते हैं इनकरेक्ट सेंटेंस को, ही कम्स टू माई हाउस सेल्डम। दोस्तों यहाँ पर जो सेंटेंस है ही कम्स टू माई हाउस, वो मेरे घर को आता है, सेल्डम मीन्स कभी कभी। लेकिन आपको यहाँ जानना जरूरी है, यहाँ कुछ एडवर्ब्स हैं जैसे कि ऑलवेज, आप ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिए, वैसे लिखने में बहुत समय लगेगा, मैं लिखूँगा तो ऑलवेज हो गया,
एवर हो गया, नेवर हो गया, आप नोट करते रहिए, सेल्डम तो आपका यहां दिया ही हुआ है, सेल्डम हो गया, सम टाइम्स हो गया, ठीक है, सम टाइम्स हो गया, ऑफन हो गया, फ्रीक्वेंटली हो गया, ये ऐसे एडवर्ब्स हैं जो उसी वर्ब के ठीक पहले रखे जाते हैं जिसको ये मॉडिफाई करते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी आप यहां ध्यान दीजिएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं ये, जैसे कि आपका सेल्डम हुआ, ध्यान दीजिएगा, जैसे सेल्डम हुआ, ऑलवेज हुआ, एवर हुआ, नेवर हुआ, समटाइम्स, ऑफन, फ्रीक्वेंटली, ये एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं और एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज जस्ट उस वर्ब के पहले होता है जिसको ये मॉडिफाई करते हैं। तो आपको यहाँ देखना है, सेल्डम मीन्स कभी कभी, और ये कभी कभी आता है यानी इस क्रिया को मॉडिफाई करता है, तो इसको सेल्डम को कम्स के जस्ट पहले रखा जाएगा। तो चलिए देखते हैं आपका आंसर क्या है यहाँ पर, ही सेल्डम कम्स टू माई हाउस। तो ये जो सेल्डम का यूज है यहाँ गलत तरीके से हुआ था, गलत जगह पर हुआ था, इसका यूज हमेशा क्रिया के पहले होता है, तो आप क्रिया के पहले यहाँ करके सेंटेंस को सही कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, कंबाइन द सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। यानी इस प्रकार का सेंटेंस मिल जाए आपको जिसमें डबल सेंटेंस जो हो, दोनों सिंपल सेंटेंस हो, और उसको मिला करके आप एक, आपको एक सिंपल सेंटेंस बनाना हो, कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है, कंपाउंड नहीं बनाना है, आपको दो सिंपल सेंटेंसों से एक सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो इसको कैसे जोड़ते हैं, उसका क्या रूल है। तो चलिए जो हमारा सेंटेंस दिया है उसके अकॉर्डिंग हम समझते हैं, ही वॉन्ट्स टू स्टडी, वो स्टडी करना चाहता है यानी वो अध्ययन करना चाहता है। दूसरा जो सेंटेंस है, ही हैज गॉन टू आगरा, वो आगरा गया है, वो आगरा चला गया है। तो यहां जो सेंटेंस दूसरा वाला है ये, और जो सेंटेंस आपका पहला है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कहें तो वो आगरा क्यों गया, तो आगरा गया वो स्टडी करने के लिए, क्योंकि वो स्टडी करना चाहता था। तो ऐसे में जो हमारे दो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उसमें एक सेंटेंस जो उद्देश्य को शो करता है, जो उद्देश्य को दिखाता है, उसकी क्रिया को, उसकी जो क्रिया होती है, अब यहाँ उद्देश्य था स्टडी करने का, उसके पहले हम टू लगा करके क्रिया को इन्फिनिटिव बनाते हैं, और जो सेंटेंस हमारा मेन सेंटेंस होता है उसके बाद हम इस इन्फिनिटिव और क्रिया को जोड़ लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले यानी जिसमें हम उद्देश्य को पाते हैं जिस सेंटेंस में, उसको पीछे रखते हैं, और जिस सेंटेंस में हम उद्देश्य नहीं पाते हैं उसको हम पहले रखते हैं। तो हमारा जो ये ही हैज़ गॉन टू आगरा, तो इसको हम पहले लिख लिए, ही हैज़ गॉन टू आगरा, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो आपका उद्देश्य वाला सेंटेंस था उसमें से आपको क्रिया और क्रिया के पहले टू, यानी क्रिया निकाल करके उससे पहले टू यूज कर लेना है। तो ये क्रिया आपकी स्टडी थी इसमें, और स्टडी के पहले आपको टू यूज करना था, तो आपने टू यूज कर लिया। किस लिए? क्योंकि यहाँ हम क्रिया को इन्फिनिटिव बना रहे हैं, क्रिया को इन्फिनिटिव बनाने के लिए हमने क्रिया के पहले टू यूज किया, और इसका अर्थ हो गया के लिए। ये जो आपका टू यूज हुआ इसका अर्थ हुआ के लिए, अर्थात पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये सेंटेंस, दो सेंटेंस उनको कंबाइन करके हमने एक सिंपल सेंटेंस बना लिया। उम्मीद करता हूँ ये रूल्स आपको समझ में आ रहे होंगे, नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, जो भी सजेशन हो बिल्कुल दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रेपोजिशन। आपको यहाँ प्रेपोजिशन फिल करना है ब्लैंक में, और आपको बता दें कि प्रेपोजिशन और वर्ब का खासा यूनिक रिलेशन होता है, तो आपको उसको पहचानना होगा, उसको याद करना होगा। प्रेपोजिशन का यही सबसे अच्छा तरीका है कि आप वर्ब के साथ प्रेपोजिशन के रिलेशन को पहचानें और उसको याद रखें। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, जो हमारा सेंटेंस है, यू शुड ऑब्स्टेन, यानी आपको बचना चाहिए, ऑब्स्टेन बचना चाहिए, किससे बचना चाहिए, अब यहाँ से, तो ऑब्स्टेन के बाद आपको फ्रॉम यूज होता है, ध्यान दीजिएगा, कहीं भी ऑब्स्टेन आएगा तो उसके बाद प्रेपोजिशन फ्रॉम यूज होता है, नोट कर लीजिए। तो यहाँ ऑब्स्टेन के बाद फ्रॉम का यूज होगा, तो अब मिला करके सेंटेंस को देखते हैं, यू शुड ऑब्स्टेन फ्रॉम बैड हैबिट्स एंड सॉरी बैड थिंग्स, आपको गलत चीज़ों से दूर रहना चाहिए, यानी आपको गलत चीज़ों से बचना चाहिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड आउट द एरर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। दोस्तों यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है,
इस सेंटेंस में 1, 2, 3 और 4 पार्ट्स हैं। इस चारों पार्ट्स में यानी इन चारों पार्ट्स में किसी एक पार्ट में एरर है, उस एरर वाले पार्ट को आपको सेलेक्ट करना है, वही आपका आंसर होगा। तो आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है। चलिए देखते हैं। योर बिहेवियर, जो आपका व्यवहार है, इट्स सो रूड, इतना अभद्र है, इतना बेतुका है, दैट एवरीबडी डिसगस्टेड। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, ये जो आपका पार्ट आ रहा है ये एज ए पैसिव वॉइस आ रहा है। तो ये जब पैसिव वॉइस के रूप में आ रहा है तो यहाँ पर इज का प्रयोग मांग रहा है, ठीक है। तो दैट एवरीबडी इज डिसगस्टेड विद यू, इस तरह से होना चाहिए। आपको यहाँ मिलेगा, मैंने यहाँ आपके हिंट के लिए लिखा हुआ है, तो इज डिसगस्टेड रहेगा यहाँ पर, दैट एवरीबडी इज डिसगस्टेड, क्योंकि एज अ पैसिव है, ठीक है। तो आपका कौन सा पार्ट सही हो गया, यानी पार्ट थ्री यहाँ आपको मिलेगा, यानी पार्ट थ्री, दैट एवरीबडी डिसगस्टेड। तो ये आपका पार्ट गलत है, इसमें एरर है, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको लेकर के भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप बिल्कुल कमेंट में दे सकते हो, उसको दूर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन को। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान में भरना है विद सुटेबल एस्कर्टिव, यहाँ आपको एस्कर्टिव यूज़ करना है। दोस्तों यहाँ जो मैं एस्कर्टिव कह रहा हूँ उसके प्रोनाउंसिएशन को लेकर के आप कन्फ्यूज मत होइएगा, इसका सही उच्चारण एस्कर्टिव ही है, एडजेक्टिव नहीं है। तो चलिए देखते हैं सेंटेंस, देयर इज नॉट वाटर इन द वेल। तो यहाँ दो एस्कर्टिव दिए हुए हैं, तो एस्कर्टिव ऑफ क्वांटिटी, तो इन एस्कर्टिव ऑफ क्वांटिटीज़ में से सही एस्कर्टिव यूज़ करना है। तो चलिए देखते हैं कौन सा यूज होता है। दोस्तों देयर इज नॉट, अब यहाँ वाटर जो आपका दिया हुआ है ये इस वाटर के लिए आपको यूज़ करना है मच या मैनी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि जो मच यूज होता है वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होता है, और जो मैनी होता है वो काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होता है। तो आप समझ सकते हो कि ये जो वाटर है ये अनकाउंटेबल नाउन, इसको गिना नहीं जा सकता है, तो इसके लिए मच ही यूज होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयर इज नॉट मच वाटर, यहाँ क्या होगा, मच वाटर इन द वेल, यानी कुएं में ज़्यादा पानी नहीं है। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, मच आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से ये आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स से रिलेटेड जो ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं उससे बनाया गया ये वीडियो कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो शेयर करिए, कमेंट करिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जोश नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।